सब्सक्राइब कीजिए टेक रेस्ट यूट्यूब चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस्ट। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके मोबाइल की होम स्क्रीन वॉलपेपर के बारे में। आप जो होम स्क्रीन पर वॉलपेपर लगा कर रखते हैं, आप उसे कैसे अचीव कर सकते हैं अगर आपसे वो फाइल खो गई है। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि आप उसे कैसे अचीव कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारी होम स्क्रीन पर हम ज़्यादातर वही वॉलपेपर लगा कर रखते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है। तो उससे हम ये होता है कभी कभी कि कुछ फाइल डिलीट करने में वो हमारा फ़ोटो भी डिलीट हो जाता है और हमें नहीं मालूम होता कि हम उसे वापस कैसे लेकर आएँ, क्योंकि इसमें कोई प्रोसीजर नहीं कि आप फाइल मैनेजर में जाएँ या वहाँ से जाकर उसे दोबारा से अचीव कर सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कि आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है वॉलपेपर सेवर। ये आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। तो आपको मैं आप बताता हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले जाते हैं हम प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर में आपको सर्च करना होगा सर्च बॉक्स में वॉलपेपर सेवर। तो सबसे पहले जो आपको एप्लीकेशन दिखाई दे रही है, आप इस पर क्लिक करिए और ये 2.7 MB की है, यानी इसका साइज़ बहुत ही कम है। तो आप इसे इंस्टॉल करें। ये इंस्टॉल हो चुकी है। तो मैं आपको पहले वो अपना वॉलपेपर दिखा देता हूँ जो मेरा लगा हुआ है। तो ये हमारा वॉलपेपर ये लगा हुआ है और हम उस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर आ गई है और हम इसे ओपन करते हैं और इसे यहाँ पर परमिशन देते हैं, तो अलाउ करते हैं और ये उसको रिकॉग्नाइज़ कर रहा है कि वॉलपेपर कौन सा लगा हुआ है। तो आप स्क्रीन पर जैसे देख सकते हैं कि जो वॉलपेपर मैंने आपको अभी दिखाया था कि मेरी मोबाइल स्क्रीन पर कौन सा वॉलपेपर लगा हुआ है, तो ये लिखा हुआ आ रहा है योर करेंट वॉलपेपर। तो यहाँ नीचे कॉर्नर पर येलो सर्किल है, तो आप जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा आपकी फ़ोन मेमोरी में। तो आप इसके लिए चेक कर सकते हैं। आप जैसे फाइल मैनेजर में दिखा देता हूं क्योंकि ये अभी की लेटेस्ट एक्टिविटी भी दिखा देता है। जैसे इसमें ये 4 मिनट एगो दिखा रहा था और ये अभी जो हमने डाउनलोड करा है 1 image from wallpaper saver। तो आप इसे ओपन करके देख सकते हैं। तो ये आपकी सेव हो गई है। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मैंने सर्च करी थी, कोई भी वीडियो मुझे अभी तक ऐसी नहीं मिली जिसमें ये सॉल्यूशन बताया गया हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्या क्या प्रोसीजर अप्लाई करने हैं और कैसे आप अपने होम स्क्रीन वॉलपेपर को अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।